अखां जदों मीटियां जमाना मैनू रोवेगा, अखां जदों मीटियां जमाना मैनू रोवेगा, अपना ते अपना बेगाना मैनू रोवेगा, अखां जदों मीटियां। अगर इनके ऊपर किसी किस्म का भी किसी का कर्ज है, कोई लेन देन है, तो मैं उसे सारी जिम्मेदारी देता हूँ और मैं आप लोगों से दरख्वास्त करूंगा कि आप बिना झिझक बिना झिझक, क्योंकि ये आपका हक है, तो बिना झिझक दरअसल प्राप्त कर सकते हैं। मेरे दोनों भाई हैं, उनसे कर सकते हैं और मुनासिब भी होगा कि मेरे से प्राप्त करें और इंशाअल्लाह ताला अल्लाह ताला ने तौफीक दी, सकत दी। मैं आपको टाइम दूंगा, उस टाइम के हिसाब से हम अपने वालिद का अगर किसी किस्म का लेन देन है उसे क्लियर करेंगे। सबसे पहले तो मैं आपका शुक्रिया अदा करता हूँ जी, आपने मुझे मौका दिया। अब मेरे और मेरी फैमिली के लिए ये 5 महीने और 2 दिन के अंदर एक और बहुत बड़ा मरतबे के सदमा में पहुँचे हैं, लेकिन ये अल्लाह का हुक्म होता है, अल्लाह की मर्ज़ी होती है और उससे जो वक्त जिसके लिए लिखा हुआ है तो उसने वापस जाना ही है। मैं एक बेटे की हैसियत से मैं ये समझता हूँ कि जितने लोगों ने जो लोग आ जाए या जो लोग उनके मुतालिक बात करते हैं, मेरे वालिद साहब के मुतालिक बात करते हैं, तो मैं कम से कम इस पर मुझे मतलब फ़ख्र भी है और मैं लोगों का शुक्रिया भी अदा करता हूँ कि जिस तरह की पॉलिटिक्स, जितनी साफ़ सुथरी पॉलिटिक्स उन्होंने की है और जैसा उनके साथ लोगों के साथ रवैया था, वो सच्चाई की सियासत उन्होंने की है, अच्छाई की सियासत की है, बिला तफरीक सियासत की है। इंशाअल्लाह ताला मैं उनके नक्शे कदम पर रहूँगा और मैं, क्योंकि अली भाई हमारे साथ हैं और इंशाअल्लाह ताला हम इनके भरपूर सपोर्ट के साथ अपना जो हल्का है उसमें इंशाअल्लाह ताला हम लोगों को बिला तफरीक इंशाअल्लाह ताला उनकी खिदमत करेंगे। मैं सिर्फ आप लोगों से ये दुआ करूंगा, जब भी आपको मौका मिले तो मेरे वालिद साहब के लिए उनकी दुआए मगफरत, उनके लिए दुआए मगफरत की बस ये कोशिश कर दीजिएगा जी। वाकई इस पूरे खित्ते को, हज़ारा को एक सपूत जो है ना आज हमसे अल्लाह ताला ने ले लिया। उनकी तरीक़ा ज़िंदगी, सादगी, सच्चाई, ईमानदारी और इंसाफ जो है वो हम सब के लिए एक मशाल राह होनी चाहिए। अल्लाह रहमान रहीम, आज इतनी बड़ी नमाज जनाजा जो यहाँ पर हुई है, इतनी ज़्यादा तादाद में जो लोग शरीक हुए हैं, उसकी वजह ये थी कि न सिर्फ गलियात एबटाबाद बल्कि पाकिस्तान के सियासी शख्सियत का यहाँ पर जो हमसे आज जुदा हुए हैं उसकी वजह से यहाँ पर लोग इकट्ठे हुए हैं। अभी एक जनाजा रहता है। मैं समझता हूँ कि सरदार यकूब साहब ने, जो सबका डिप्टी स्पीकर ऑफ पाकिस्तान है, उन्होंने शराफत और ईमानदारी की सियासत को फ़रोग दिया है और अपने आवाम से की और खलूस खिदमत की है और उन्होंने कभी भी आवाम को धोखे में नहीं रखा। जो बात कहते थे सच्चे और खरे सियासतदान मशहूर थे। आज एक बहुत बड़ा सदमा है पूरे इस हज़ारा के लिए और बिलखसूस गलियात का एक बहुत बड़ा लॉस हुआ है, लेकिन ये चूँकि कानून कुदरत है, सरदार साहब जो हैं वो उन्होंने एक बड़ी भरपूर ज़िंदगी गुजारी, ना सिर्फ सियासी बल्कि सोशल भी उन्होंने एक अच्छी ज़िंदगी गुजारी है। बेशक जी, आज मैं समझता हूँ कि बिलखसूस गलियात और हज़ारा डिवीजन की एक ऐसी शख्सियत जो दबंग स्टाइल में सियासत भी करते थे, सच्चे और खरे इंसान थे, और मैं समझता हूँ कि इनकी ता देर तक इनकी कमी महसूस होगी और मैं समझता हूँ कि हज़ारा डिवीजन बल्कि पूरा KPK में आज एक बहुत अजीम सियासतदान से हमारे लोग महरूम हुए हैं। अल्लाह ताला उनके ख़ानदान को सब्र जमील अता करे। माने रखीम, आज हमारा ज़िला बल्कि ये सूबा पूरा एक अजीम शख्सियत सरदार महमूद याकूब साहब, जो सबका डिप्टी स्पीकर कौमी असम्बली थे, उससे महरूम हो गई है। मैं ये समझता हूँ कि सरदार यकूब एक अजीम इंसान थे। आज हमारे लिए इंतहाई दुख और रंज का ये दिन है। हमारे इंतहाई काबिल एहतराम, मेरे पास वो अल्फाज नहीं है कि मैं सरदार यकूब साहब की
जो खिदमात हैं और जो अखलाकी लिहाज से जिस मुकाम पर वो थे उनको खराज तहसीन पेश करूँ, मेरे पास वो अल्फाज नहीं हैं। आज बड़े दुख का दिन है, सरदार याकूब साहब जैसे अजीम शख्सियत हज़ारा की आवाम को इस इलाके को छोड़ के जा चुके हैं और एक बड़े हलीम तबीयत और काम करने वाले शख्सियत थे। सरदार याकूब साहब जो हमारे गलियात की पहचान थे कि नहीं, हमारी इज्जत थे, हमारी गैरत थे, उन्होंने हज़ारे के लिए बहुत सी कुर्बानियाँ दी और ख़ासकर हमारे कौम का लाल के लिए उन्होंने बहुत सी जदोजहद की। सरदार याकूब साहब अच्छे अखलाक के मालिक थे, अच्छे इंसान थे, बहुत लोगों की उन्होंने खिदमत की। जब खुदा ने उन्हें डिप्टी स्पीकर बनाया पूरे हलके के उन्होंने काम किए। ऐसी शख्सियत से मरूम हो गए हैं, लेकिन ये अल्लाह की मर्ज़ी है, जो आएगा वो जाएगा, लेकिन सरदार याकूब साहब के कामों के इतने जाल बिछे हुए हैं, बिजली के हैं, पुल हैं, अरनो में पुल है, उसका नाम है सरदार याकूब। मेरी दुआ है अल्लाह उनके बच्चों को अमन दे और पूरे गलियात को मैं सलाम पेश करता हूँ। जितना जनाजा आज देखा है मैंने कभी नहीं देखा। इनका जो सियासी और समाजी जो खिदमात रही हैं इलाके के लिए, ये किसी से भी ढकी छुपी नहीं है, हम सब इनके गवाह हैं। और ये इस तरह की शख्सियत बहुत कम होती हैं जो दुनिया और आखिरत दोनों में इंशाल्लाह अपना नाम पैदा करती हैं। आज से 65 साल पहले उन्होंने अपनी जद्दोजहद शुरू की और जिस मकान से उनकी शराफत, उनकी दयानत, उनकी सदाकत का सबूत बहुत बड़ा कि हाल के मोहल्ले में एक छोटा सा घर, ना कोई महल्लात, ना जागीरें और ना लंदन के बैंक बैलेंस, जैसे आज से पहले हमारे साथ थे उसी तरह उसी लेवल पे हम जैसे लोगों के साथ, आम पब्लिक के साथ एक छोटे से महल्ले में वो रह रहे थे और आज वहीं से उनका जनाजा उठा। के साथ हमारा एक ताल्लुक, मेरे वालिद सरदार गुलजार अब्बासी का एक 4-7 साल ताल्लुक था। इनकी शख्सियत जो थी बेबाक, और मैं सियासत में बहुत सारे लोग देखे हैं लेकिन इन जैसी शख्सियत जो कभी भी लोगों से ना कभी गलत बयानी करते थे ना झूठ बोलते थे, और मुझे यकीन है अल्लाह ताला आज उनकी जो हक और सचगोई पे उनको बख्शिश अनायत फरमाएंगे।